हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बीपीएससी ने अपना कैलेंडर, वार्षिक कैलेंडर जो है 2019 का, वो जारी किया है कि आगामी इस वर्ष में क्या क्या परीक्षाएं होंगी, कब होंगी, रिजल्ट फाइनल कब आएगा, जो सर्टिफिकेट का रिजल्ट कब आएगा, उसका मेंस कब होगा, उसका फाइनल रिजल्ट कब आएगा, सर्टिफिकेट का नोटिफिकेशन कब आएगा और उसका एग्ज़ाम कब होगा। तो इस सभी की जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। और ये बीपीएससी द्वारा जारी किया गया कैलेंडर है, किसी के पूर्वानुमान पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करें। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो भी पीटी हुआ है 64वीं का, वो तो 64वीं का पीटी का जो रिजल्ट है इसी माह में आएगा, यानी जनवरी में इसका रिजल्ट आ जाएगा। कट ऑफ क्या होगा, 90 के आसपास मैंने अब बताया था। इसके दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी देखा जाएगा क्या क्या नहीं है, क्योंकि सबका एक अनुमान होता है। कोई बीपीएससी का सचिव देख तो बैठा नहीं है यहाँ कि क्या है, खैर बीपीएससी सचिव को भी नहीं पता रहता है। तो चलिए देखते हैं इसका मुख्य परीक्षा। इसका जो मेन से मई के सेकेंड थर्ड वीक में करा लिया जाएगा, यानी इसका जनवरी में आएगा आपको लास्ट तक, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आपको 3.5 महीना दिया जाएगा। और मई के अंतिम थर्ड वीक में इसका रिजल्ट आपको दे दिया जाए, ये सॉरी एग्जाम आपको मेंस का हो जाएगा। मेंस का रिजल्ट जो है अक्टूबर में संभावित है, अंतिम सप्ताह, यानी 3-4 महीने में फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा। और 2020 के फरवरी के द्वितीय सप्ताह में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, यानी अभी जो 19 चल रहा है जनवरी, आपको 20 फरवरी, यानी 2020 फरवरी, 20 फरवरी नहीं, 2020 का फरवरी जो है, यानी अगले साल में इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें 64वीं का यही है, यानी इसका रिजल्ट आपको पीटी का अभी आएगा अंतिम इसी मई में, मई के थर्ड वीक में इसका मेंस हो जाएगा, और फाइनल जो है रिजल्ट आएगा अगले फरवरी में। ठीक है, तो ये हिसाब से बीपीएससी संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने गुरुवार को विभिन्न परीक्षा और परीक्षा फल प्रकाशन के लिए 2019 का वार्षिक कैलेंडर जारी किया है। आइए और देख लेते हैं और क्या क्या कहा है इन्होंने। 60 से 62वीं, यानी जो 60 से 62वीं बीपीएससी हुआ था, उसका फाइनल रिजल्ट, इंटरव्यू वगैरह हो गया, सबको पता ही है, उसका जनवरी के सेकंड वीक में इसका फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। 63वीं का मेंस भी होगा इसी जनवरी में, यानी जनवरी में बीपीएससी काफ़ी बिजी है, बहुत रिजल्ट और तहलका मचाने वाला है। तो 63वीं का बीपीएससी का मुख्य परीक्षा आपको होगा और मई में इसका मेंस का रिजल्ट दे देगा। आइए देखते हैं। 30वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा रिजल्ट 1 सप्ताह में जारी होगा, और मुख्य परीक्षा परीक्षा फल, यानी जो बिहार जुडिशियरी सर्विस जो होता है उसका रिजल्ट 1 सप्ताह में जारी हो जाएगा, और मुख्य परीक्षा फरवरी के तीसरे सप्ताह और रिजल्ट मई के द्वितीय सप्ताह में आएगा। जून में इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट जुलाई के द्वितीय सप्ताह में आएगा। दोस्तों, जो न्यायिक सेवा के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए अच्छा न्यूज़ है, तो वो देख लें इसको। आप लोग का भी रिजल्ट आ जाएगा जुलाई के लास्ट वीक में, द्वितीय सप्ताह में। नेक्स्ट देखते हैं क्या उन्होंने अपडेट किया। और बाल विकास पदाधिकारी, यानी सीडीपीओ, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर का जो है, सीडीपीओ का जो बहाली हुआ था उसका मुख्य परीक्षा 19 से 23 जनवरी, यानी 17 तक आपको, 17 जनवरी तक 63वीं का मेंस है और 19 जनवरी से सीडीपीओ का मेंस है। सीडीपीओ का मेंस का प्रथम मई के प्रथम सप्ताह में मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा, यानी दोनों का रिजल्ट भी मई में देगा। 63वीं का भी रिजल्ट मई में दे रहा है और सीडीपीओ का भी रिजल्ट मई में दे रहा है। तो मई में बहुतों का व्यारा नेहरा होगा। जून के प्रथम सप्ताह में साक्षात्कार और अंतिम सप्ताह का रिजल्ट जारी होगा। तो ये मानकर चलिए कि सीडीपीओ और 63वीं साथ साथ चल रहा है, और इनका लगभग फाइनल रिजल्ट भी साथ ही जारी होगा। आइए अब देखते हैं 65वीं, इसका सबको इंतजार है। 65वीं बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विभिन्न विभागों से अधियाचना 30 अप्रैल तक आएगा। विज्ञापन प्रकाशन जुलाई के प्रथम सप्ताह और प्रारंभिक परीक्षा सितंबर के अंतिम सप्ताह में जारी होगी। कहने का मतलब है कि अप्रैल तक ये अपना मांगेगी कि सभी विभाग से कितना पद खाली है, क्या नहीं है, 30 अप्रैल तक उन्होंने डेट दिया है। और अगर 30 अप्रैल तक ये आ जाएगा तो
इसका जो विज्ञापन है स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट, वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, और उसका पीटी का एग्ज़ाम सितंबर के अंतिम सप्ताह में आएगा। ये साफ साफ लिखा हुआ है, 30 अप्रैल तक आएगा, और विज्ञापन का प्रकाशन जुलाई के प्रथम सप्ताह, प्रारंभिक परीक्षा सितंबर के अंतिम सप्ताह में संभावित है। तो दोस्तों ये साफ साफ है कि कोई जनवरी फरवरी में नहीं आ रहा इसका नोटिफिकेशन। देखिए 30 अप्रैल तक तो इन्होंने अधियाचना यानी जो विभागों का वो है नोटा, वो मांगा है 30 अप्रैल तक, तो फिलहाल कोई नहीं आएगा अभी। काफ़ी हल्ला था कि जनवरी फरवरी में आ रहा है। इसका जो मेंस है पीटी, इसका आपको जनवरी में हो जाएगा, मेंस का भी डेट दी है, और इसका साक्षात्कार जो है 65वीं का साक्षात्कार मई 2020 में, और अंतिम प्रकाशन जुलाई 2020 में होगा, यानी फरवरी में 64वीं का फाइनल और जुलाई में 65वीं का फाइनल। ठीक है, तो 64वीं 65वीं लगभग 3-4 महीनों के गैप में चलेगा, इसे तो साफ से पता चल रहा है। पथ निर्माण विभाग के तहत सहायक अभियंता सिविल और मैकेनिकल प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगा। जिन्होंने मैकेनिकल का वगैरह का एग्जाम दिया होगा उसके लिए है, वो थर्ड वीक में जारी हो जाएगा। मुख्य परीक्षा मार्च अंतिम सप्ताह में जारी होगा, रिजल्ट सितंबर ये होगा, 37 सप्ताह में होगा सितंबर अंतिम सप्ताह, और अंतिम रिजल्ट नवंबर में जारी होगा। देखिए वार्षिक कैलेंडर जारी करने के साथ ही 64वीं मुख्य परीक्षा या जो अप्रैल अभी मई में बोल रहे थे, मई अप्रैल में लोकसभा चुनाव रहने कारण तिथि में बदलाव हो सकता है, ये इन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह बना दिया है। जो 64वीं का है उसका जो मेंस का डेट था अभी जो मई के थर्ड वीक पिछले टॉपिक में भी बता रहे थे, मई के थर्ड वीक में जो प्रस्तावित है तो उसका चेंज हो सकता है, साफ साफ कहा उन्होंने उसका चेंज हो सकता है लोकसभा चुनाव के तिथि के कारण, अगर टकराया तिथि तो उसका डेट चेंज हो सकता है, यानी 64वीं का मेंस का डेट वो चेंज हो सकता है। 65वीं संयुक्त परीक्षा के लिए समय पर अधिसूचना प्राप्त होने पर ही विज्ञापन प्रकाशित की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, दो चीज़ें इसमें ध्यान देने योग्य है कि जो 64वीं का भी मेन्स का रिजल्ट, सॉरी मेन्स का एग्जाम जो मई थर्ड वीक में था तो वो चेंज हो सकता है ड्यू टू लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव अगर तिथि आसपास रहेगा, क्योंकि आचार संहिता लग जाती है तो कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता है क्योंकि सभी स्टाफ भी बिजी रहते हैं, तो लोकसभा चुनाव का तिथि का बदलाव हो सकता है। और यहाँ भी एक गौर करने वाली बात है कि 65वीं संयुक्त परीक्षा के लिए समय पर अधिसूचना प्राप्त होने पर ही विज्ञापन प्रकाशित होगा। कहने का बात है जो 30 अप्रैल तक वहाँ पीछे लिखा हुआ था कि 30 अप्रैल तक मांगा है उन्होंने, अगर 30 अप्रैल तक सभी विभाग ने दे दिया तभी इसका प्रकाशन, विज्ञापन का प्रकाशन जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, नहीं तो लेट भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि आपके पास अभी केवल 64वीं है, अगर जिसका स्कोर अच्छा आ रहा है वो मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, और जिनका स्कोर थोड़ा कम है वो 65वीं की तैयारी करें, क्योंकि उसमें भी टाइम है 3-4-5 महीना। तो दोस्तों यही था बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया कैलेंडर, तो इसी की चर्चा काफ़ी हम लोग ने कर ली है, तो मेरे ख्याल से कुछ छूट नहीं रहा है कि कुछ छूट तो नहीं रहा है, तो वही देख लेते हैं एक बार। इसका जो रिजल्ट है वो इस सप्ताह में जारी होगा, ये काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि कब होगा, पूछ भी रहे थे कई लोग कमेंट्स में, तो चलिए सबकी शंका दूर हो गई। तो ठीक है दोस्तों यही था इस वीडियो में, और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले इस वीडियो को आगे के अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।